Hello everyone. In the previous lecture, we have studied about nature of image charge and electric field potential. Now we will study the boundary conditions for electric field and potential. ठीक है, हमने क्या करना है, एक dielectric surface लेनी है और उसके ऊपर और नीचे अलग अलग बिंदुओं पर, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ये कोई डायलैक्ट्रिक सरफेस कंसिडर की, तो इसके ऊपर और नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या इक्वल ही होंगे या अलग अलग होंगे, मतलब या तो कंटिन्यूस होंगे, सतत होंगे, सतत मतलब ई परपेंडिकुलर अबो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर और ई परपेंडिकुलर बिलो नीचे इक्वल होंगे, अगर नहीं होंगे तो क्या होगा, इनका रिजल्टेंट कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगा। तो हमें ये देखना है कि अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक सरफेस ले लें तो उसके ऊपर और नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के मान वेरी होते हैं या नहीं होते हैं। तो इसके लिए हमारे पास चार बाउंड्री कंडीशन है। फर्स्ट जो हम बाउंड्री कंडीशन ले रहे हैं वो है आपके पास विद्युत क्षेत्र के लंबवत घटक का परिसीमा प्रतिबंध। विद्युत क्षेत्र के लंबवत घटक का परिसीमा प्रतिबंध, बाउंड्री कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके लिए हमें क्या करना है, हमने एक डाइलेक्ट्रिक सरफेस को कंसीडर किया है, इसे हम बोलते हैं इंट्रा सरफेस या अंतरापृष्ठ। दिस इज़ आवर इंट्रा सरफेस। इंट्रा सरफेस के ऊपर और नीचे बिंदुओं पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स निकालने हैं। तो हमने दो बिंदु ले लिए, ए एंड बी, ये पॉइंट ए और बी, और इन पॉइंट्स को कवर करते हुए हम एक सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस की कल्पना करते हैं, क्योंकि हमें ये जो रूल है ये फाइंड आउट गाउसियन सरफेस से करना है। तो हम यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस को कंसीडर कर रहे हैं। हम अगर देखें तो ये पूरी जो गाउसियन सरफेस है ये तीन पृष्ठों से मिलकर बनी हुई है। एक तो आपका ये वाला सरफेस, ऊपर वाला, इसका जो सरफेस एरिया होगा उसकी डायरेक्शन होगी ऊपर की ओर, ठीक है। एक आपका ये वाला गाउसियन सरफेस, इसकी जो डायरेक्शन होगी इसके पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर। एक आपका ये वाली सरफेस जो सिलेंड्रिकल होता है, इसकी ये वाली सरफेस, तो इसकी डायरेक्शन होगी इसके तल के लंबवत बाहर की ओर, इसके सरफेस एरिया की डायरेक्शन है ये। ये तीन पृष्ठ माना कि S1, S2 एंड S3 से मिलकर बना हुआ है। इसी के साथ हम मान लेते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमने परपेंडिकुलर ऊपर की ओर डायरेक्शन में लगाया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू हमें क्या निकालना है, हमें गाउस का लो वेरीफाई करना है। तो गाउस का लो से क्या होता है कि जो फील्ड फ्लक्स है वो इक्वलेंट होता है समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, और जो फ्लक्स है वो होता है वेक्टर डॉट एरिया इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। टोटल गाउसियन सरफेस इज इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम अगर तोड़ें अलग अलग भागों में तो ये हो जाएगा आपके पास E वेक्टर डॉट डी ए वैक्टर एट सरफेस S1 प्लस S2 E डॉट डी ए प्लस S3 E डॉट डी ए इज इक्वल टू समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर यहाँ से S1 E डॉट डी ए को क्या लिख सकते हैं, E डी ए कॉस थीटा प्लस E डी ए कॉस थीटा एट सरफेस S2 S3 E डी ए कॉस थीटा
is equal to summation q upon epsilon naught. सरफेस S1 के लिए E और DA के बीच का एंगल देखते हैं. सरफेस S1 गेरी E और DA के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है. तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ S1 E DA cos 0 प्लस S2 E DA. S2 सरफेस का कितना होगा? E DA cos DA सरफेस के लिए कितना होगा? इसमें जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड अपसाइड एरिया राइट हैंड साइड दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री. तो ये कितना हो जाएगा? cos 90 प्लस S3 E DA cos और ये आपका 0 इज इक्वल टू समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो cos 0 कितना होगा? 1 S1 E DA प्लस इंटीग्रेशन ऑफ S2 E DA cos 90 कितना होता है? 0 प्लस S3. S3 पे कितना है? E DA इज इक्वल टू समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये तो 0 हो गया. E जो S1 सरफेस है वो डायलैक्ट्रिक सरफेस के ऊपर है तो इसको बोलेंगे हम E परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल रहे हैं अबो. ठीक है, अगर ये आपका cos 0 है E और DA के बीच का एंगल तो ये अपोजिट साइड है तो ये होगा 180 डिग्री. ये होगा cos 180 डिग्री और 180 कितना होता है? माइनस. तो यहाँ पे आप माइनस लगा लीजिए. ये आपका 0 और ये आपका माइनस ऑफ E परपेंडिकुलर बिलो और ये आपका इलेक्ट एरिया हो जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ DA को हम A कंसीडर कर देते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ DA A समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. फिर E परपेंडिकुलर अबो माइनस E परपेंडिकुलर बिलो इज इक्वल टू समीशन Q अपॉन A और 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट. चार्ज पर यूनिट एरिया होता है आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी. तो E परपेंडिकुलर अबो माइनस E परपेंडिकुलर बिलो इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो आप देख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के लंबवत घटक डिसकंटिन्यूअस होते हैं यानी कि असतत. बट इफ द मीडियम इज चार्ज फ्री, यहाँ पर हम एक केस ले लेते हैं. इफ द मीडियम इज चार्ज फ्री, यदि आपका आवेश चार्ज फ्री है तो ये क्या हो जाएगा? E परपेंडिकुलर यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू जीरो है तो क्या होगा? E परपेंडिकुलर अबो माइनस E परपेंडिकुलर बिलो इज इक्वल टू जीरो यानी कि E परपेंडिकुलर अबो इज इक्वल टू E परपेंडिकुलर बिलो. ठीक है, अब केस सेकंड ले रहे हैं हम विद्युत क्षेत्र के लंबवत की जगह स्पर्शीय घटक का परिसीमा प्रतिबंध. स्पर्शीय घटक का परिसीमा प्रतिबंध फॉर परपेंडिकुलर की जगह टेंजेंशियल कंपोनेंट्स. तो इसके लिए हम गाउसियन सरफेस कंसीडर करेंगे बट सिलेंड्रिकल ना करके रेक्टेंगुलर सरफेस को कंसीडर करेंगे. यहाँ हमने वापस एक अंतराप्रष्ठ लिया. अंतराप्रष्ठ इंट्रा सरफेस ऑफ डायलैक्ट्रिक
इस सरफेस के ऊपर और नीचे दो बिंदु ले रहे हैं हम, पॉइंट ए और नीचे वाला पॉइंट ले रहे हैं बी। इन पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए हम एक रेक्टेंगुलर गाउसियन सरफेस ले लेते हैं पी क्यू आर एस। इस सरफेस पे टेंजेंशियल कंपोनेंट निकालना है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सरफेस के अलोंग ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दिस वन। ओके, नाउ वी विल हैव टू फाइंड आउट द टोटल सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड अबो एंड बिलो पॉइंट। सो हमें पता है कि किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स ज़ीरो होता है, यानी कि जो लाइन इंटीग्रल है पाथ पी से लेकर के वापस पी क्यू आर एस पी, किसी भी सदिश का जो रेखीय समाकलन है बंद पृष्ठ के अंतर्गत वो सदैव क्या होता है, शून्य। तो टोटल इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल इज ऑलवेज ज़ीरो। नाउ डिवाइड दिस इंटू फोर पार्ट्स, पी टू क्यू ई डॉट डी एल प्लस क्यू टू आर ई डॉट डी एल प्लस आर टू एस ई डॉट डी एल प्लस एस टू पी ई डॉट डी एल इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको आगे करते हैं हम। तो ई डी एल कॉस थीटा ओपन करेंगे, पी टू क्यू ई डी एल कॉस थीटा प्लस क्यू टू आर ई डी एल कॉस थीटा प्लस आर टू एस ई डी एल कॉस थीटा प्लस एस टू आर ई डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। पी से लेकर क्यू वाले पाथ में देखें तो डी एल लंबाई का जो अल्पांश लेंगे वो ये होगा, इस पे डी एल लंबाई का अल्पांश ये होगा, इस पे ये होगा और इस पे ये होगा। इस डी एल लंबाई के अल्पांश की डायरेक्शन और ई की डायरेक्शन दोनों सेम ही हैं, तो इसके लिए कॉस थीटा कितना होगा, ज़ीरो। तो इंटीग्रेशन ऑफ पी टू क्यू ई डी एल कॉस ज़ीरो प्लस क्यू टू आर ई डी एल कॉस, अब इसके लिए जो अल्पांश है इसकी डायरेक्शन तो ये हो जाएगी और ई की डायरेक्शन राइट हैंड साइड, तो इसके लिए कॉस 90 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन ऑफ आर टू एस ई डी एल, ये आपके पास हो जाएगा कॉस 180 डिग्री प्लस फिर एस टू पी ई डी एल कॉस, ये आपके पास हो जाएगा 270 यानी कि अपोजिट डायरेक्शन, सो 0 डिग्री। नाउ ई डी एल कॉस 0 अपना मान क्या देता है, 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ पी टू क्यू ई डी एल कॉस 0 1 प्लस क्यू टू आर कॉस 90 0 प्लस एस टू आर ई डी एल कॉस 180 माइनस 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो ये तो ज़ीरो हो गया। अब यहाँ से ई पी से क्यू वाला जो है पार्ट वो बिलो है, तो ई पैरेलल कंपोनेंट बिलो और इंटीग्रेशन ऑफ डी एल माइनस ई पैरेलल कंपोनेंट अबो और इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू ज़ीरो। ई पैरेलल अबो माइनस ई पैरेलल बिलो, ये माइनस कॉमन लेके जीरो में चला जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ डी एल है तो ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ एल। अब या तो एल ज़ीरो हो आपका या फिर ये पद ज़ीरो, एल ज़ीरो नहीं होता इसलिए ये पद ज़ीरो होगा, तो क्या बनेगा फाइनली, ई पैरेलल अबो माइनस ई पैरेलल बिलो इज इक्वल टू ज़ीरो या ई पैरेलल बिलो। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्पर्शीय घटक हैं या टेंजेंशियल कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के वो हमेशा क्या होते हैं, सतत। ठीक है, अब इसी के लिए थर्ड देखते हैं हम, विद्युत क्षेत्र के लंबवत घटक या सॉरी विभव का परिसीमा प्रतिबंध पोटेंशियल का। तो नाउ द थर्ड टॉपिक इज
विभव का परिसीमा प्रतिबंध, बाउंड्री कंडीशन बाउंड्री कंडीशंस फॉर पोटेंशियल। पोटेंशियल के लिए बाउंड्री कंडीशन निकालने के लिए अगेन वी विल कंसीडर एन इंट्रा सरफेस, अंतरप्रस्थ ले रहे हम, अंतरप्रस्थ के समीपवर्ती दोनों बिंदुओं पर हम ले रहे हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी। एक्चुअली ये जो पॉइंट्स हम ले रहे हैं डाइलेक्ट्रिक सरफेस के ऊपर और नीचे, इसका मतलब ये है कि कोई भी जो बाउंड्री होती है उसके जस्ट पास में ऊपर और जस्ट पास में नीचे दो पॉइंट्स हैं आपके पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बिल्कुल क्लोज भी वेरी करेंगे वो हम चेक कर रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं कि ये वाली दीवार है पड़ोस वाली, ये हमारी है या पड़ोसी की है, तो ये तो दोनों की हुई पार्टनरशिप है। तो वही सीन है कि इसके जस्ट समीपवर्ती अगर हम दो पॉइंट्स ले लें ए और बी, तो उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या क्या होंगे। तो हम वही चीज़ देखना चाह रहे हैं कि अगर हम उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड हैं वो डिसकंटिन्यूस होंगे यानी कि अलग अलग, बट अगर हम टेंजेंशियल कंपोनेंट ले रहे हैं तो वो सेम होगा। सिमिलरली अब हम पोटेंशियल को देखेंगे कि वो क्या होगा। यहाँ मैं जो पॉइंट्स ले रही हूँ ए और बी, ये दिखाई देने के लिए ऊपर हैं, बहुत डिस्टेंस पर हैं, बट ये एक्चुअल में जो इनकी हाइट है h, ये ऑलवेज टेंस टू क्या है, ज़ीरो है, मतलब बहुत कम हाइट पर है। ठीक है, तो ये अंतरप्रस्थ के बिल्कुल समीपवर्ती हमने दो बिंदु लिए हैं। अब मैं इस पे पोटेंशियल का कंपोनेंट निकाल रही हूँ, तो मेरे को एक रिलेशन पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किन्हीं दो बिंदुओं पर, वी ए माइनस वी बी, वो ऑलवेज इक्वल होता है माइनस ऑफ ई डॉट डी एल के, क्योंकि हम ई लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स या डेल एल, तो V कितना हो जाएगा EDL, जैसे डेल V निकालें तो माइनस ऑफ EDL, और V निकालें तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा EDL, तो हमने डायरेक्ट ये फॉर्मूला यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DL, और जो लिमिट है वो क्या है, A से B पॉइंट तक के लिए है। ठीक है, अब आपने पता है ये माइनस ऑफ A टू B EDL डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे cos थीटा, और जो थीटा है वो यहाँ पर कितना होगा आपके पास, अगर हमने ये वाला कंपोनेंट लिया है तो इस पे जो हम लाइन इंटीग्रल कंसीडर कर रहे हैं वो dl, और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन है वो भी क्या है, परपेंडिकुलर अबो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अबो है dl, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो EDL cos 0 थीटा कितना होगा, 0 डिग्री, तो cos 0 अपना मान क्या देता है, 1, यानी कि सॉरी यहाँ पे आपको थीटा लेना है 90 डिग्री, cos 90 अपना मान कितना देगा, 0। थीटा 90 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो L की डायरेक्शन में नहीं लगा रहे हैं, ये हम टेंजेंशियल लगा रहे हैं, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल है वो होगा आपके पास वी ए, पॉइंट बी पर जो पोटेंशियल है वो होगा आपके पास वी बी, तो कॉस 90 जीरो होने के कारण वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि जो पोटेंशियल होता है वो दोनों पॉइंट्स पर इक्वल होता है, पोटेंशियल का कंपोनेंट हमेशा सेम होगा। ठीक है,
एक और फोर्थ पॉइंट हम ले लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है आपके पास में विभव प्रवणता का परिसीमा प्रतिबंध। बाउंड्री कंडीशंस फॉर विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट। विभव प्रवणता का परिसीमा प्रतिबंध, इसके लिए हम क्या करते हैं, वापस एक इंट्रा सरफेस को कंसीडर कर रहे हैं, अंतराप्रस्थ। और इस अंतराप्रस्थ के ऊपर और नीचे हम दो पॉइंट्स ले रहे हैं, ए और बी। और इस पर हम कंपोनेंट निकालेंगे। ये आपका लाइन इंटीग्रल से जो डिस्टेंस है ये दोनों के बीच की है एल। ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ई परपेंडिकुलर अबो पर इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ई परपेंडिकुलर बिलो। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र के लंबवत घटक का परिसीमा प्रतिबंध वी नो क्या जानते हैं हम, द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डाइलेक्ट्रिक सरफेस ई परपेंडिकुलर अबो माइनस ई परपेंडिकुलर बिलो इज ऑलवेज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और चूंकि आप रिलेशन जानते हो एक ई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में डेल वी बाई डेल एक्स, तो अगर ये वैल्यू रखें हम तो डेल वी बाई डेल एक्स ये आपका माइनस ये अबो माइनस माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स पोटेंशियल ग्रेडियंट विभव प्रवणता डेल वी बाई डेल एक्स बिलो इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। बट अगर हम ये केस ले लें, केस इफ मीडियम इज चार्ज फ्री, यदि माध्यम मीडियम इज चार्ज फ्री, यदि माध्यम आवेश मुक्त है तो सिग्मा कितना हो जाएगा, जीरो। इस स्थिति में विभव प्रवणता माइनस डेल वी बाई डेल एक्स अबोव माइनस माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स बिलो विल बी इक्वल टू जीरो। दैट इज विभव प्रवणता अंतराप्रष्ठ के समीपवर्ती बिंदुओं पर सतत होगी। सतत, दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के क्या आ गए, इक्वलेंट। तो ये आपने चार बाउंड्री कंडीशंस फाइंड आउट कर दी हैं। ओके, थैंक यू।